यूपी के कानपुर देहात में इन दिनों लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं से जनपद दहल उठा है। जी हां, एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। जनपद के एसपी आपराधिक घटनाएं रोक पाने में विफल साबित हो रहे हैं। एसपी के जनपद में तैनाती के बाद से यहां अपराध की बाढ़ सी आ गई है, या यूं कहें कि यहां के एसपी से जिला नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी के डीजीपी द्वारा प्रदेश के टॉप 10 जनपदों में अच्छा कार्य करने वालों की सूची जारी की गई थी, जिसमें कानपुर देहात 7वें स्थान में था। प्रदेश के डीजीपी की जारी सूची के अनुसार कानपुर देहात में 14 लूट, 26 हत्याएं और 21 बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए गए हैं। बावजूद इसके ऐसे जनपद को टॉप 10 की श्रेणी में रखा गया है। जनपद में एसपी के अपराध पर अंकुश न लगा पाने से यहाँ दबंगों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते यहाँ घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी के चलते कानपुर देहात में आज फिर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक रंजिश के चलते परिवार के लोगों ने व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के मलासा गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि मूलचंद का परिवार गांव में घर के सामने ही रहता है, जिसमें मूलचंद और परिवार के ब्रजेश, शिवराम, मानसिंह से पुरानी जमीनी रंजिश जमाने से चलती आ रही है। इन सभी में कई बार विवाद भी हुआ और ये विवाद थाने तक पहुंचा, पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों में सुलहनामा हो गई। पर उसके बाद भी इन लोगों में झगड़े और गाली गलौज हो चुकी थी। मृतक संदीप के पिता और भाई की माने तो संदीप कब शाम खेतों की तरफ गया था, पर वो रात में घर वापस ही नहीं लौटा। गांव के लोग जब सुबह शौच के लिए गए तो उन लोगों ने आकर बताया कि तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है और उसका शव खेत में पड़ा हुआ मिला है। जब हम लोगों ने जाकर देखा तो उसे कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। परिवार का आरोप है कि घर के सामने रह रहे पारिवारिक ब्रजेश, शिवराम, मानसिंह और गांव के ही दद्दू ने मिलकर उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। किस तरीके से आपके भाई की हत्या हुई? हत्या ही मार दी ने, जहाँ से कुल्हाड़ी तो काट डाले नहीं है सामने वाले हमारे, यही मार दी ने। ये ठाकुर है मेरे परिवार के हैं, छिद्दू, ब्रजेश और शिवराम सिंह और सोनू, मान सिंह के घर की मेरी हैं सब, एक को गांव का है दद्दू, सब जने मिल के मार डाले न मेरे भाई का। झगड़ा इनते बहु पुरान चलत रहो है मार, हमें नहीं पता बाबू, पहले तीन दे बाबा जमाने ते लड़ाई चलत रही, लेकिन अब कुछ नहीं बा। फिर पी पी के गाड़ी देते हैं, कहूँ मेरी भौजाई गाड़ी दे, कहूँ भाई ने इनका गाड़ी दे, रात तीन एफ आई आर कर चुके हैं हम, चौकी के पाए छू इनका है, छोड़ दे अब की बार ते न कर बे इस कुछ हम, अब की दें काल हमारे भाई का भैंसी लें। शाम के 7:15 बजे मेरे लगे फोन किए, इनका है बउआ भैंसी धो ले, हम लेट हुई जब हम नदी हम झाँखा लगा रहे ना, मैं कहा पता। ओके बाद हम फोन किए, फोन बंद हुई का, ये दुश्मन मार डरे ना मैं ना पता चलो। हाय सवेरे फोन खबर आई हम भैंसिया तुम्हें भाभी रो के कहे बउआ देखो भैया तुम्हारे को काट डाले, हम दौड़त दौड़त गेने तो कटे परे मिले हमें, हाय खेतवन में मिले हो के बाद हमें नहीं आए पता, लेकिन हमारे नहीं दुश्मन ही हो सामने का रहे देख ले हो। तो पुलिस करने के बाद पुलिस ने शिकायत यू की ना गाड़ी देते हैं परेशान करे थे हमारे, एक भाई इन रात है तीन जने हम बाहर रहा था ने ओके पीछे परे रहा है, कहाँ कब्जा करें, चार लड़का हमारे इनके अगल बगल सब हमार जगह है, मना करो तो मानत नहीं आए फैलाता है, अब बताओ हम इनका अपन जगह दे दें, चार साढ़ हमारे खातिर पैदा की ना हो, हमारे एक भाई रात हमारे नहीं आए रे भैया तो तुम ऐसा ही थे ना हम ना जमीनी विवाद, हाँ या कुछ मान ले हो इनका सब हम छोड़ के इनसे चले जानी ने सब दे देन, तभी खुश हुई जाए इनके चार लड़का है नहीं आ रहा है कि जगह तो हम कहा कर बीच में कई बार गाली गलौज किया, फिर नहीं आया रात को गाली गलौज की, फिर रिपोर्ट भी किया हमने, फिर बाद को पुलिस के यहाँ समझौता कर लिया, हम समझ के कई बार समझौता हो चुका था आपका अब की बार हुआ था जी करीब 6 महीने हुए। कैसे पता चला हत्या हुई, कैसे पता चला, कैसे जानकारी हुई है हत्या की जानकारी कैसे हुई आपको? भाई लोग रहती गए चती गए बताया तब सब लोग जो कि हमें तो बात को जानकारी हुई कैसे मारा है कुछ पता चला कुछ से
शाम को भी कोई विवाद हुआ था? शाम को तो नहीं हुआ था, पर तो मानते थे। क्या खेत वेत गए थे वो? हाँ, वहीं भी मार दिया। नहीं मारा तो कॉलोनी में, पहले कोई कोठरी मारा है, फिर उसके बाद खेत में फेंका। क्या? हाँ, खेत में फेंका। भाई आरोपी फरार है सर? आरोपी फरार है भाई, बुझ जा भाई। सर आज मलासा गाँव में मर्डर हुआ सर, क्या? जी आज थाना भोगनीपुर क्षेत्र में सुबह एक सूचना मिली कि जिसमें कि एक व्यक्ति की जो प्रथम दृष्टया कोई पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है, इसमें चोट पहुंचाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई है। मौके पर हम सभी ऑफिसर्स और फील्ड यूनिट मौजूद है और तहरीर लेके इसमें मुकदमा दर्ज करके जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। सर कुछ पता चल पाया कि हत्या करने का कारण क्या रहा? ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।